शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह की चाय दूध की शुरुआत हो चुकी है। दूध चाय चढ़े हुए हैं। मानस का मैंने नाश्ता भी बना दिया है, ओट्स बनाया है मैंने। यहाँ पर मानस उठ चुका है, सुबह सुबह मेरे साथ ही उठ जाता है, तो यहाँ पर ये खेल रहा है। उसके साथ मैं खेलने भी लगी हूँ और किचन का काम भी निपटाने लगी। और फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो देखा जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गंदी जा रही है। मुझे लगता है कैमरे के ऊपर कुछ लग गया था, तो थोड़ा सा क्वालिटी गंदा जा रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर करना, यहाँ से ठीक हो चुका है। और नाश्ता का कोई क्लिप मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हम सबके लिए ओट्स ही बना था, तो क्या क्लिप बनाती। यहाँ मैं एक थाली तैयार कर रही हूँ लंच के लिए, तो उसकी रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेथी का पराठा बनाऊंगी। आटा ले लिया था मैंने, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और खूब सारा मेथी मैंने ऐड कर दिए थे। और पानी मैंने नहीं ऐड किए थे, दूध से मैंने आटा लगाए थे। आप सब दूध से लगा के देखना, पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा सा जो मेथी का कड़वापन होता है ना, वो नहीं आएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं मुझे आज किट्टी में भी जाना है फ्रेंड्स, तो फटाफट से मैं दिन का खाना तैयार करने लगी हूँ। आटा मैंने लगा दिया है। घी की एक बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो फटाफट से रेसिपी देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, घी को छील के मैंने पतले पतले स्लाइस कट कर लिए थे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं था। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और बेसन से इसको मैरिनेट कर लेना है और अच्छी तरह से दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेना है। वैसे तो ये वाली घी की सब्जी जो है ना, प्लेन राइस के साथ या प्लेन चपाती के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने इसको मेथी पराठा के साथ बनाया था। सीजन का पहला मेथी मुझे दिख गया था मार्केट में, दिख तो बहुत दिन से रहा था लेकिन मैं नहीं ला रही थी। बट आज दिनेश जी और बच्चे गए थे मार्केट, तो उठा के ले आए थे, तो सोचा जो बना ही लेते हैं। तो आज इस वाले सब्जी के साथ मेथी का पराठा बनेगा। वैसे मोस्टली जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ तो प्लेन राइस या चपाती के साथ बनाती हूँ। और ये पकौड़ा जो है ना, ऐसे भी खाने में बहुत मज़े का लगता है, तो जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ आधा पकौड़ा तो हम लोग फ्राई ही खा लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लेना है। और आज मैंने इसमें बेसन ऐड किए थे, आप चाहो तो मैदा के साथ भी बना सकते हो। मैदा के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन हम लोग मोस्टली मैदा खाना अवॉइड करते हैं, तो बेसन यूज किया था। वैसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स करके फिर बनाओगे ना तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं मैदा खाना, तो बेसन के साथ बनाया था। और यहाँ पर बन रही है गोभी की सब्जी, हरे प्याज वाली गोभी की सब्जी। तो सारे पकौड़े फ्राई करने के बाद जीरा तेजपत्ता का तड़का ऐड करना है। फिर दो छोटे साइज के प्याज को ग्रेट करके रखे थे मैंने, उसको ऐड कर देंगे। थोड़ी देर प्याज को भून लेना है। फिर जाएगा खूब सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और पेस्ट थोड़ा सा हरा दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड किए थे। जब भी मैं पेस्ट बना के रखती हूँ ना, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का एक साथ बनाती हूँ। तो लहसुन के कच्चापन के हटने तक अच्छी तरह से भून लेना है। फिर जाएगा ग्रेटेड टमाटर और हरी मिर्च, साबुत मैंने ऐड किए थे क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट में हरी मिर्च था। और ग्रेवी में हरी मिर्च का फ्लेवर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना। तो टमाटर हरी मिर्च ऐड करने के बाद नमक हल्दी ऐड करना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अगेन फिर मसाला को अच्छी तरह से भून लेना है। हाँ, धनिया जीरा पाउडर भी ऐड करना है, मैं भूल गई थी बताना। तो एक चम्मच, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा मसाला जाएगा, क्योंकि थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ऑलरेडी प्याज ग्रेटेड है, टमाटर भी मैंने ग्रेट करके ऐड किए हैं, तो ग्रेवी ऑलरेडी प्याज और टमाटर से थिक तो हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस एक चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर मिक्स ऐड कर दिए थे। तेल छोड़ने तक मसाला का, मसाले के तेल छोड़ने तक मैंने भून लिया था। फिर ग्रेवी ऐड करना है और फिर पकौड़े को ऐड कर देंगे। पकौड़े को ऐड करने के बाद फिर सब्जी को ढक के थोड़ी देर पका लेना है, 5 से 7 मिनट तक। और लास्ट में गर्म मसाला पाउडर जाएगा और थोड़ा सा घी जरूर ऐड करना। वैसे आप पे डिपेंड करता है, आप नहीं खाना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़े से ऐड किए थे। तो दोनों सब्जी दोनों तरफ पक रहे थे, तो इधर मैंने फटाफट से मेथी का पराठा भी सेक लिया था। बस मैंने 4 सेके थे संभवी और सासोती के लिए। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग काफ़ी पुराना है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुराना है फ्रेंड्स। बीच में कुछ ना कुछ फंक्शन आते गए, तो लेटेस्ट ब्लॉग मैंने दिखा दिया था। ये क्लिप बनाया हुआ था बहुत पहले से, मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्लॉग मैंने बना लिया था तो सोचा अपलोड कर देती हूँ। अभी समय भी जा चुकी है, ये बहुत पुराना ब्लॉग है। पहले
जो ब्लॉग में अपलोड करती थी बस एक दो दिन पुराना होता था, लेकिन अभी जब से मानस आया है, दिनेश जी बीमार हो गए, तो काफ़ी दिन पुराना ब्लॉग होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब इग्नोर करना, क्योंकि रेसिपी मैं बना ली रही होती हूँ तो ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ, इसी बहाने आप सबसे रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो काफ़ी पुराना ब्लॉग है फ्रेंड्स। फटाफट से सामवी सरस्वती का पराठा मैं सेकने लगी थी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मुझे किट्टी में भी जाना था। और यहाँ पर हरे प्याज वाले गोभी आप सब में से कौन कौन खाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर आप सबको रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। तो पराठा डन है, सब्जी भी तकरीबन डन है, बस गरम मसाला पाउडर और घी ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, और लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स। तो तकरीबन मेरा खाना डन है। थाली का शॉर्ट्स आप सब ऑलरेडी देख चुके होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो थाली बनाती हूँ, रेसिपी नहीं थाली बनाती हूँ, तो बहुत पहले ही उसका आप शॉर्ट्स देख चुके होते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो हो चुकी हूँ तैयार फ्रेंड्स किट्टी में जाने के लिए, और आज मैंने ये ड्रेस पहना है, मन था साड़ी पहनने का लेकिन टाइम नहीं मिला, तो ये वाला सूट पहना है फ्रेंड्स। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और साथ में ये देखिए लाकी चूड़ी मम्मी लाई थी इस बार, और कैसी लगी चूड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसके साथ और है, इतना है, मैंने थोड़ा ही सा पार्ट पहना है इसका, जब साड़ी पहनूंगी ना तो पूरा पहन के फिर आप सबसे शेयर करूंगी। और मेरा ड्रेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, आप सबको अपने फ्रेंड्स से मिलवाते हैं। वर्मा आंटी के घर किट्टी है, और शेड्यूल इसलिए हो पाया क्योंकि मोस्टली किट्टी 4 बजे होती है, 2 बजे है तो माना सोया हुआ है, अभी दिखाती हूँ। और सासुती ने प्रॉमिस किया है जो मैं देखभाल कर लूंगी अगर उड़ जाएगा तो, वैसे 4 बजे तक वो 2 से 4 सोता है, इसलिए मैं आज जा पा रही हूँ। चलते हैं भगवान जी के घर और सबसे आपको मिलवाते हैं। ताली तो बजा दो भाई, ये ले लो बेटे थोड़ा थोड़ा, ये ले लो फिर उसके बाद ये खा। और मैं काफी दिनों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं इन सारे फ्रेंड्स को आप सब पहचानते ही होंगे फ्रेंड्स, कई बार मिल चुके होंगे, कभी कीर्तन में कभी किट्टी में। अभी मेरा आना जाना थोड़ा कम हो गया है, पहले तो मैं बहुत जाती थी, तो सबसे आप सब मिल चुके होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आके हम लोगों ने स्नैक्स खाए थे, उसके बाद हम लोगों ने तंबोला खेले थे, और फिर खाना। आंटी ने बहुत सारी चीज़ें मंगा लिया था, भर भर के स्नैक्स भी था, समोसा ढोकला बहुत कुछ था। शॉर्ट्स बहुत पहले आप सब देख चुके होंगे इसका भी फ्रेंड्स, ब्लॉग लेट जा रहा है। और खाना में था, खाना में नहीं फ्रेंड्स सॉरी, खाने में था छोला भटोला पनीर वाले राइस। 41 तो तंबोला खेलने के बाद सबको भूख नहीं लगी थी क्योंकि हम लोगों ने स्नैक्स काफी हैवी ले लिए थे। तो हर बार किट्टी में कोई ना कोई टॉपिक होता है चर्चा का, तो इस बार था जो चक्की किस डायरेक्शन में चलता है। तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन में बोल रहे थे मैं और कल्पना, और सारे फ्रेंड्स सीधा डायरेक्शन में बोल रहे थे, तो यही बहस का विषय बना हुआ था। फिर किसी ने सर्च किया तो यही टॉपिक था जो चक्की किस डायरेक्शन में चलता है, तो आज का टॉपिक यही था। सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को चला चला के दिखा रहे थे, वही आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, और काफ़ी हम लोग हंस भी रहे थे, तो काफ़ी एंजॉय किए थे आज की किट्टी को हमने। और खाना भी बहुत मज़े का था, आंटी की जो बहू है ना मीनू, उसने बनाया था छोले भटोले, उसके हाथ का बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में उसके हाथ का छोला भटोला फेमस है, तो उसी ने बनाया था, बहुत मज़े का बनाया था। हम सब ने ये देखिए यहाँ पर चक्की चला रहे हैं सब दिखा रहे हैं किस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी भी सोचती हूँ तो मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाती हूँ ये वीडियो देख के। आप सब बताना फ्रेंड्स जो किस डायरेक्शन में चक्की चलता है। और फिर खाना पीना खाने के बाद हम सब ने चाय पिए थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर आ गए थे वापस घर। मैं तो काफ़ी दिन के बाद किट्टी गई थी क्योंकि बीच बीच में 2-4 किट्टी मेरी छूट जाती है, तो जिस बार जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, सारे फ्रेंड्स से मिल के काफ़ी एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं बहुत बिजी रहती थी इन सब चीज़ों में। और जैसा कि आप सबसे शेयर किया फ्रेंड्स, जो ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है, जब शांभवी सरस्वती थी, शांभवी जाने वाली थी और जवान फिल्म आ गया था, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन लोगों ने देखे थे फ्रेंड्स, तो उसी का थोड़ा सा क्लिप मैं ऐड कर दी हूँ। मैं नहीं गई थी क्योंकि मानस मेरे साथ था, तो मैंने कहा तुम लोग जाओ एंजॉय कर लो, मानस नहीं देखने देगा, तो मैं नहीं जा पाई थी, बच्चे गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था फ्रेंड्स मेरी लाइफ में जो शाहरुख खान का फिल्म मैंने नहीं देखा था,
नहीं तो मैं शाहरुख खान का फिल्म कभी नहीं छोड़ती फ्रेंड्स। थोड़े से ये क्लिप है बच्चों ने जो डिनर किए थे। बाय बाय, टेक केयर।